हाय दोस्तों, जिकेरी टेक्नो वर्ल्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारा जो आज का वीडियो है वो उन लोगों के लिए है जो लोग को फ़ोटो एडिट करना बहुत ज़्यादा पसंद है। दोस्तों, कई बार होता है कि हम अपने फ़ोटोज़ को फेसबुक, ट्विटर या फिर इंस्टाग्राम ऐसे जगह पर हम अपने फ़ोटोज़ पोस्ट तो कर देते हैं, पर हमें लाइक नहीं मिलते। लाइक इसलिए नहीं मिलते क्योंकि उसमें इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा एप्लीकेशन बताऊँगा जिसकी मदद से आप कोई भी फ़ोटोज़ पर ज़बरदस्त इफ़ेक्ट डाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आपको बता देते हैं कि वह कौन सा एप्लीकेशन है और उस एप्लीकेशन को किस तरह से यूज़ करना है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है यार, कि आप लोग वीडियोस तो देख लेते हो पर आप लोग लाइक नहीं करते। तो दोस्तों, आप लोग ज़रूर से लाइक कीजिए। दोस्तों, अगर आप लोग लाइक करेंगे तो हमें लगेगा कि हमारा वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। तो जल्दी से एक लाइक ठोक दो यार, और हमारे इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर से दबाइएगा। इससे होगा ये कि हमारे जो भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड होते हैं वो आपको डायरेक्टली देखने को मिल जाएंगे। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम प्रवीण है और जिकेरी टेक्नो वर्ल्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जिस एप्लीकेशन की मैं बात कर रहा था, आप उस ऐप का आइकन यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों, ये ऐप आपको प्ले स्टोर में बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप अगर आपको ये प्ले स्टोर में नहीं मिलता है तो हमने इस ऐप का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो चलिए दोस्तों, हम आपको ये ऐप ओपन करके दिखा देते हैं। दोस्तों, जैसे ही आप इस ऐप को ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद इसका इंटरफेस कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आप इस ऐप को फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो ये कुछ आपसे परमिशन मांगेगा, तो आप सारे के सारे परमिशन आप इन्हें दे दीजिएगा। जब आप सारे के सारे परमिशन देंगे तो ही ये एप्लीकेशन अच्छे से वर्क करेगा। दोस्तों, यहाँ पर नीचे आपको तीन ऑप्शन दिख रहा होगा, एक बैकग्राउंड, फ़ोटोज़ और एक एडजस्ट। तो सबसे पहले आपको बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं कि आपको बहुत सारा अलग अलग बैकग्राउंड देखने को मिल जाएगा, तो आप कोई भी बैकग्राउंड चूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पर एक बैकग्राउंड यूज़ कर लिया है, ले लिया यहाँ पर। उसके बाद आपको सिंपली फ़ोटोज़ के ऊपर क्लिक करना है, जो अगला ऑप्शन दिख रहा है फ़ोटोज़, उसके ऊपर क्लिक कर लेना है। और जैसे ही आप फ़ोटोज़ के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, एक कैमरे का और एक दूसरा ऑप्शन। तो आपको सेकेंड वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आप अपने मोबाइल की गैलरी में पहुंच जाएंगे। आपको जो भी फ़ोटोज़ में आपको इफ़ेक्ट डालना होगा आप वो फ़ोटोज़ ले लीजिएगा। मान लीजिए हम यहाँ पर एक फ़ोटो ले लेते हैं, ये वाला, और इसे हम यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिर्फ हमने उस फ़ोटोज़ को चूज़ किया और ऑटोमेटिकली यहाँ सारा का सारा इफ़ेक्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ से आप इस फ़ोटोज़ को और भी ब्लर कर सकते हैं या फिर और भी इसे डार्क कर सकते हैं। और यहाँ से अगर आप नीचे देखना चाहेंगे तो यहाँ से भी आप इसे काफ़ी ज़्यादा ब्लर और कम ज़्यादा इसे कर सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से इसे सेट कर लीजिएगा। दोस्तों, यहाँ पर आपको बहुत सारा बैकग्राउंड दिया गया है, ये देखिए। यहाँ पर जो आपको बैकग्राउंड अच्छा लगे वो बैकग्राउंड आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। चूज़ करने के बाद आपको ऊपर सिंपली राइट का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो आपको उसके ऊपर क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको सेव का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा। उसके साथ ही साथ यहाँ पर नीचे आपको और भी ऑप्शन दिख रहा है क्रॉप का। अगर आपको फ़ोटोज़ को क्रॉप करना है तो आप अपने हिसाब से इसे क्रॉप भी कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे यहाँ तक ही चाहिए, तो आप यहाँ से इतना पोर्शन को क्रॉप कर लीजिए। अगर आपको इफ़ेक्ट डालना है तो यहाँ पर और भी बहुत सारे अलग अलग इफ़ेक्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। आपको जो इफ़ेक्ट अच्छा लगेगा आप उसे चूज़ कर सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट हम यही रहने देने वाले हैं। तो यहाँ पर अगला ऑप्शन जो देखने को मिल रहा होगा बॉर्डर का, तो अगर आपको यहाँ पर बॉर्डर चाहिए तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर बॉर्डर भी चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आपको कलर चाहिए, मान लीजिए मुझे यहाँ पर येल्लो चाहिए तो मैं यहाँ पर येल्लो ले लेता हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो बॉर्डर है वो रेडी हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो दिख रहा है फ्रेम, अगर आपको फ्रेम लगाना है अपने फ़ोटोज़ में तो आप यहाँ पर फ्रेम भी लगा सकते हैं। आपको जो फ्रेम अच्छा लगेगा, यहाँ पर बहुत सारा फ्रेम दिया गया है, तो आप अपने हिसाब से कोई भी फ्रेम सेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर स्टिकर, मान लीजिए आपको अपने फ़ोटोज़ में कोई स्टिकर चाहिए, मान लीजिए हमने ये वाला स्टिकर ले लिया है, तो इसे आप छोटा बड़ा भी करके आप कहीं भी सेट कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारा स्टिकर दिया गया है, तो आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कुछ टाइप करना है, जैसे हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, हमने यहाँ पर फ्रेंड्स लिखा। और यहाँ पर अलग अलग आपको फॉन्ट मिल जाएंगे, इसको आप डिज़ाइन ऊपर देख सकते हैं। आपको जो अच्छा लगे, मान लीजिए हमने
कोई भी हम ले लेते, चलिए हमने ये वाला ले लिया, तो इसे आप कहीं भी रख सकते हैं। चलिए हमने इसको यहाँ पर रख दिया है यहाँ पर, और इसे ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आपका पूरा एडिटिंग कंप्लीट होता है तो आपको ऊपर सेव का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आप जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो हमारा ये फ़ोटो आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा। इस फोटोज़ को आप चाहे तो यहाँ से शेयर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया है तो यार प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा।